नमस्कार साथियों, आज हमें NCR गाजियाबाद में संतोष सीमा धर्म कांटे के पास में मैन रोड पर जो जल निगम की पाइपलाइन थी वो लीकेज थी। इस समस्या पर मैंने 3 महीने पहले फिल्म बनाई थी। साथियों, हम इस फिल्म पर एक झलक डालते हैं। नमस्कार जी, क्या समस्या सर आप लोग? यहाँ पानी भरा रहता है और यहाँ एक्सीडेंट भी होते हैं, गड्ढे भी हो गए, रोड भी बिल्कुल बेकार हो गई और यहाँ काम वाम भी नहीं आता, दुकान उकान पे कांटे पे भी काम नहीं आ रहा। समस्या कोई निकल, कौन सा पानी है ये जो वेस्ट हो रहा है? पाइप पड़ा है, मीठे पानी का पाइप पड़ा है, वो फूट गया है तो ये धीरे धीरे पानी निकलता रहता है यहाँ पे। इससे रोड भी खराब हो रही है, रोड भी बेकार हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ एक्सीडेंट भी होते हैं। आप लोगों ने क्या यहाँ पे प्रशासन से कंप्लेंट डाली? जी, नगर निगम वाले से कंप्लेंट की और कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने यहाँ के समुदाय लोगों से बैठक की, उनकी समस्या यानी स्कैनर के आवेदन पत्र लिखकर जल निगम के अधिकारी को, हम जल निगम के अधिकारी के ऑफिस गए, वहाँ जय सर से मिले, उनको हमने आवेदन पत्र दिया, उनको हमने वीडियो भी दिखाया, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि मैं इसमें जल्दी कार्रवाई करूंगा। उनके द्वारा भी ये लीकेज पानी का ठीक कर दिया गया है। हम अपने अधिकारी का भी धन्यवाद करते हैं, अपने वीडियो वॉलंटियर साथियों का भी धन्यवाद करते हैं, अपने समुदाय लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। सर नमस्कार। सर पहले क्या समस्या थी? सर यहाँ पे पानी भरा रहता है, दो जगह पाइप लीकेज था। कौन सा पानी था? ये मीठा पानी की लाइन थी, मतलब तो आपके चैनल से मतलब जो भी हो पाया मतलब तो नगर निगम वालों ने सही कर दिया है, तो अब पानी नहीं निकल रहा है। जो भी दिक्कत थी यहाँ दुकानदारों को और आने जाने वालों को, ट्रैफिकों को, तो अब सही हो गया, बदलाव हो गया है। बदलाव हो गया जी। कितने लोगों को फायदा मिलेगा अभी? इससे बहुत लोगों को फायदा मिला, आने जाने वाले को, यहाँ गाड़ियाँ लोग दिन भरे में दिन रात चलता है, रोड मेन रोड है, अब ठीक हो गया ये। अब पानी नहीं निकल रहा, पानी नहीं निकल रहा, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए सर पहले क्या समस्या थी? बहुत समस्या थी, पानी वानी से दिक्कत होती थी, लोग बहुत परेशानी हो रही थी। कौन सा पानी था? पाइपलाइन का पानी निकल रहा था, मीठा पानी जो था ना वो लीक हो रहा था जी। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सही हो गया, तुमने सही करवा दिया। आप मैं पहले वीडियो बना के ले गए थे ना जी, क्या नाम है, पानी बहुत दिक्कत हो रही थी, जब आपने पानी सही करवा दिया, पानी की वजह अब ठीक हो गया यहाँ पे? हाँ ठीक हो गया, अभी आपने सही करवा दिया। कितने लोगों को फायदा मिलेगा? बहुत लोगों को फायदा मिलेगा, बहुत दिक्कत हो रही थी लोगों को, रोड भी खराब हो रही थी, इससे बहुत दिक्कत थी, काम वाम नहीं आ रहा था हमारा, अब ठीक हो गया? हाँ जी, अब आप लोग आए थे ना, जब वीडियो बना के ले गए जी, सही हो गया, उसके बाद अब बदलाव हो गया? हाँ बहुत बदलाव हो गया, बिल्कुल सही हो गया, अब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी। अब बताइए सर, ये पानी की समस्या हल हो गई है, जो मीठे लाइन की पाइप हो रही थी, आपके चैनल से आपने वीडियो बनाई थी, तो अब ठीक हो गया, पाइप दोनों तरफ से सही हो गया, अब लोग बागों को निकलने वाले में भी सही हो चुका है, आप लोग खुश हो, अभी यहाँ पे बदलाव हो गया है, अच्छा हो गया। पहले पानी भरा रहता ना, कस्टमर भी नहीं आ रहे थे, कस्टमर भी आने लगे, यहाँ सही है ना, वो लोग बाग गाड़ी से गिर भी गए थे पानी में, पानी से दिक्कत हुई थी, समस्या ठीक हो गई, आपके चैनल आपने करवा दी समस्या, बदलाव। निगम के ऑफिस जय सर से मिलने जाते रहे, प्रयास करते रहे, अनुरोध करते रहे कि पानी का जो लीकेज है वो ठीक कर दिया जाए। उनके द्वारा भी पानी का पाइपलाइन लीकेज ठीक कर दिया गया है, अब 500 लोगों को फायदा मिलेगा और जो यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को भी हाईवे है उनको भी फायदा मिलेगा, अब ये पानी का लीकेज ठीक हो गया है। साथियों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। अगर मेरे समुदाय लोगों में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं रेणुप्री, जिला गाजियाबाद से फिर मिलती हूं नई रिपोर्ट के साथ। थैंक यू साथियों।